राजपुर गांव जिला कैमूर स्थित न्यू प्राथमिक विद्यालय में शौचालय नहीं रहने से उसमें नामांकन 122 बच्चियाँ एवं टीचर एवं रसोईया को 9 सालों से खुले में शौच करना पड़ रहा है। शौचालय नहीं रहने के लिए बहुत परेशानी होती है। कितनों दिनों से इस विद्यालय में शौचालय नहीं है? विद्यालय का अपना आपको हुआ है 2007 से लेकर 2016 तक। यहाँ पर हम चाहते हैं कि मेरे विद्यालय में शौचालय बने, बच्चा और बच्ची को इधर उधर जाने से पूरा प्रॉब्लम पड़ेगा। बच्चों को इधर उधर जाने से मैंने क्या क्या प्रॉब्लम होता है? बगल में पोखरा है, जब पानी बर्फ पानी लगता है पानी तो डर लगता है कि बच्चा को पड़े किसी भी जगह बच्चा चल जाएगा। पोखरा में पानी मारा हुआ है, घूमने का डर लगता है। परेशानी यही है कि जो दो टीचर हमारे हैं वो शौच करने छरदेवाली के बाहर जाते हैं, मेरे बच्चा जितना है उतना सब बाहर जाते हैं। बाहर जाने से क्या समस्या होता है? गंदगी से रोग फैलता है। समस्या यही है कि मतलब पास में तालाब है उसमें गिर जाएंगे तो और समस्या ना बढ़ जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मतलब हमारे विद्यालय में शौचालय बने ताकि ये सब समस्या सब दूर हो। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाई कि मेरी भी बच्चियां न्यू प्राथमिक विद्यालय राजपुर में पढ़ती हैं। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि न्यू प्राथमिक विद्यालय राजपुर में शौचालय बने ताकि बच्चों को एवं शिक्षक एवं रसोईया को बाहर शौच करने के लिए जाना न पड़े। इस वीडियो को जो भाई बहन देख रहे हैं उन सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का मोबाइल नंबर 85444-1342 पर कॉल कर दबाव बनाए, वो मेरी मदद करें न्यू प्राथमिक विद्यालय शौचालय बनाने। मैं ममता देवी राजपुर जिला कैमूर राज्य बिहार इंडिया अनहट के लिए।